आज हम बनाने जा रहे हैं बेले, जो कि बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। मेरे पास ये बेसन है एक प्याली, ये मेरे पास छोटा हाफ चम्मच लाल मिर्च है, चाट मसाला है छोटा चम्मच, अजवाइन चौथाई हिस्सा ये भी छोटा चम्मच हाफ, ये है खुश्क धनिया ज़ीरा ये भी हाफ चम्मच, और ये भी नमक भी हाफ चम्मच। ये सारे मसाले इसमें मैं डालूँगी। ये ऑयल मेरे पास, ये भी मैं सिर्फ थोड़ा सा लूँगी, इसके बस एक चम्मच। और ये मेरे पास धनिया है, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। और अब हमने पानी के साथ इसको गूंदना है, जैसे आटे को गूंदते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं पानी डालना, इसको पतला नहीं करना। जी ये देखें, ये मैंने गूंद लिया, ये ना सख्त है ये देखें और ना ही इतना नरम है। और अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसको 5-10 मिनट के लिए हमने रख देना है। जी ये हमारे 10 मिनट हो गए हैं, तो चले आएँ बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे पास ऑयल है, इसको ऐसे रोल करना है, हाथों की मदद से कर सकते हैं। जी ये देखिए, ये हमारे हो गए हैं बेसन के। ये देखें, अब हमने इनको पकड़ के इस तरह पानी में डालना है, लेकिन पानी को पहले उबाला आना चाहिए अच्छी तरह, जैसे ये पानी में आ रहा है, ये हमने डाल दी। अब इनको उबाले आने तक बनाना है, पकाना है इनको। जी देखें, जब तक ये हमारे बेले हो रहे हैं और ये जब तक गल रहे हैं, हम लोग वहाँ पे अपना मसाला भून लेते हैं हांडी का, ठीक है। ये मेरे पास ऑयल है खाने के 2 चम्मच, ये मैं इसमें डाल दूँगी। आप मैंने मीठे जलाई हुई है जी। और ये एक अदद प्याज है ग्लैंड किया हुआ, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी जी। अब हमने इसको ब्राउन करना है प्याज को, एक अदद प्याज था जिसको मैंने ग्लैंड कर लिया था। मेरा ब्राउन हो गया, अब मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में सब्ज मिर्चें ग्लैंड की हुई डाल दूँगी। और हमारा लहसुन अदरक ये देखें हो गया, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, ये भी 1 अदद है बड़े वाला जी। ये मेरे पास नमक 1/2 चम्मच है, लाल मिर्चें भी, हल्दी भी 1/2 चम्मच, और खुश्क धनिया भी पिसा हुआ 1/2 चम्मच, ये मैं इनमें डाल दूँगी। और अच्छे से हम लोगों ने इनको भूनना है। और मसाले मैंने इस वजह से कम इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बेलों में भी पहले मसाले डाल दिए हैं, तो इसलिए कम डाल रही हूँ। और जी ये देखिए, माशाल्लाह से माशाल्लाह हमारे बेले कैसे ज़बरदस्त, ये देखें हो गए हैं। अब मैं इनको निकालूंगी और ये पानी ज़ाया नहीं आपने करना, बिल्कुल भी नहीं ज़ाया करना, यही हम लोगों ने पानी इनके अंदर डाल देना। हल्का से इसको शोरबा बनाएंगे इन बेलों का। ये देखें, ये हमने इनके छोटे छोटे स्लाइस करने हैं, ये देखें इस तरह करके। बहुत मज़े के बनते हैं और खाने में भी बहुत मज़ा आता है जी। ये हमने काट के ये देखें सारे रख लिए हैं, ये बहुत सॉफ्ट से बने हैं, ये देखें बहुत नरम बने हैं। और कुछ लोग इनको फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही काट लिया, और मैं इनको डायरेक्ट मसाले में डाल दूंगी और आए मसाला भूनते हैं जी। माशाल्लाह से ये देखें हमारा मसाला अच्छे से भून लिया, और घी ने ये देखो मसाले ने अलग कर दिया घी को, और ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त मसाला हो गया। और अब हम इसमें बेले डालेंगे, यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें बेले शामिल कर दिए, अब इनको हल्का सामने भूनना है बेलों के साथ भी मसाले को। जी माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा ये हमारा भुना गया, ये देखें अलग हो गया सारा ऑयल वगैरह मसाले से, ये देखें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हम ये बचा हुआ पानी ये इसमें डाल दूँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इसके हिसाब से अपना शोरबा रखना।
ये देखिए आप, ना ही कहीं से टूटे, कुछ भी नहीं हुआ और ना ही मैंने इनको फ्राई किया है, बस बॉईल किया और काट के डाल दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह से, देखें कितनी ठीक है। तो अभी हमने इनको उबाल आने तक बनाना है, इनको ऊपर रखना है ठीक है चूल्हे पर। माशाल्लाह से ये देखें कितना अच्छा घी हमारा ऊपर आ गया है, बेले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब हम इसमें धनिया और मिर्चें डालेंगे, धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी। ये देखिए माशाल्लाह से कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। और तो चले आए बिस्मिल्लाह करते हैं और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, भी आप देखें ऑयल अलग हुआ है, ये पहले मेरे बिल्कुल नहीं टूटे, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। जी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। प्लीज़ थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में।